नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त जो खबर आ रही है वो मेघालय से आ रही है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स से आ रही है, जहां पर रविवार को रात में करीब 10 बजे जो है हमलावरों ने बीएसएफ की एक चौकी पर हमला किया है। आपको बता दूं जिसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दूं जब बीएसएफ जवानों ने जो हमलावर थे उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया, तो इसी में 3 लोग जो हमलावर थे, हमलावरों की जो भीड़ थी उसमें शामिल थे, वो भी घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो ये इलाका है जहां पर ये बताया जा रहा है, ये शिलोंग से करीब 100 किलोमीटर दूर साउथ में है, जिसका उमसीम नाम बताया जा रहा है जिस गाँव का, जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है। आपको बता दूँ बीएसएफ पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जो बॉर्डर है और जो ये पूरा इलाका है वहाँ पर मुस्तैदी बढ़ाए हुए है, और लगातार जो तस्कर है, चाहे वो सोने के हो या किसी नशीले पदार्थ के हो या किसी और चीज़ के जो तस्कर हैं, उन्हें रोकने के लिए लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो तस्कर हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। और इसी से जो गुस्साए हुए जो तस्करों के सपोर्टर्स थे वो कहीं ना कहीं गाँव वालों को भड़काते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने गांव वालों को भड़काया और गांव वालों की ही आड़ लेकर के उन्होंने बीएसएफ की चौकी पर हमला किया, जिसके बाद जो है इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। और बीएसएफ जवानों ने जब अपनी आत्मरक्षा में, जब अपने बचाव में जो एक्शन लिया, उसमें गांव वाले जो हमला करने आए थे बीएसएफ की चौकी पर, वो भी घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं बीएसएफ जवानों के लिए हमेशा से चुनौती रहा है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जैसा हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है कि जो पूरी तरीके से सील्ड हो, पूरी तरीके से बंद हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आवाजाही हमेशा लगी रहती है लोगों की, और ऐसे में ये पहचानना कि कौन तस्कर है, कौन नहीं है, कौन आम आदमी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होती है बीएसएफ जवानों के लिए। और जब इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं कि कभी गऊ तस्कर जो होते हैं वो बीएसएफ द्वारा जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो बीएसएफ जवानों पर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, हथियारों से हमला करते हैं। और जब इस तरीके के कई सारे जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी जो लोग करते हैं, जो तस्कर करते हैं, उन्हें जब रोकने के प्रयास किए जाते हैं तो कई बार बीएसएफ जवान जो होते हैं उन पर हमले होते हैं। कई बार वो गांव वाले भी हमला करते हैं जो इन तस्करों का समर्थन करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार हमारी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं झेलते हैं, और हमारे और आपके लिए झेलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब सरहद पर कोई जवान तैनात होता है तो वो पूरे देश की सुरक्षा की सोचता है, ना कि अपनी और अपने परिवार की। तो कहीं ना कहीं जो जवान घायल हैं, शिवालिक जनरल प्रार्थना करता है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जल्द से जल्द इन तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।